हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ना अभी शाम के 4 बज रहा था और मैं चालू कर रही हूँ आज का ब्लॉग शाम के 4 बजे से। बेटी आ गई स्कूल से, उसको लेके आने के बाद बेटे ने उसका बॉटल तोड़ा, तो उसके बाद में उसको थोड़ा लेक्चर दे रही थी कि भाई कुछ भी होता है घर में तो हमारा घर में तोड़ फोड़ करने का काम बस उसका रहता है। 99% तो वही तोड़ता है, 1% हम लोग से टूटता है। बस उससे वही समझा रही थी कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। और बेटी को ना कपड़े वगैरह चेंज करा के उसको दूध दे दी पीने के लिए। फिर मैं आ गई बर्तन वगैरह क्लीन करने, क्योंकि आज दोपहर में खाना खा के बर्तन ऐसे ही पड़ा था, मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी। और आजकल मेरी बेटी को पता नहीं, उससे खाना खाने को मन नहीं करता, शाम को सोने को मन नहीं हो रहा है। वो एकदम अपना रूटीन चेंज करके रखी है अभी जब से तबीयत खराब हुआ तब से। तो उसका बस यही सब चल रहा है। उसको थोड़ा समझा रही थी कि ऐसा करेगी तो मैं उसको कल से मतलब वो पनिशमेंट करूँ। मतलब ये चिल्ला रही थी कि तू नहीं सोई तो मैं तेरे ये कंप्लेन कर दूँ कि तू नहीं पढ़ती है करती है। तो उसको बस सुना रही थी। और ये देखो इसको टेंशन हो जाती है मैं चिल्लाती हूँ तो यही कर रहे, मस्ती कर रहे ये लोग से बात करते करते। मैं भी अपना काम करने जा रही हूँ, अभी बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ अभी उस पर थोड़ा ध्यान दूंगी। होंगे मैं थोड़ा ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा अपने में ही मतलब टेंशन में रहती थी, तो फिर उसको भी ध्यान थोड़ा इतना नहीं दे पा रही हूँ और कुछ नहीं होता है। तो मैं भी अभी बहुत माइंड को प्रिपेयर करती हूँ, फिर बाद में पीछे हट जाती हूँ। आज तो बहन भी आई थी दोपहर में, बैठ के बहुत सारा बातें की हम लोग ने, फिर वो चली गई। उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम की, उसने मुझे बहुत सारा समझा के गई है। तो अभी देखिए मैं आगे करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने बातें करती हूँ बच्चों के साथ, नहीं तो गाना सुनती हूँ। मेरा ये दो काम करते करते मैं घर का काम करती हूँ। तो आज इन लोग से बात कर रही थी और उसके बाद में ना यहाँ पे मैंने इसके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों इतना चिल्लम चिल्ला करके पकड़ रहे थे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, इस वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आप लोग से भी बात कर रही थी और बच्चों को भी बीच बीच में चिल्ला रही थी। तो यही सब करते करते मेरा काम हो रहा था। और कल मिला इनको, ग्रीन डे सेलिब्रेशन हुई इनके स्कूल में, तो इनको प्रोजेक्ट बना के लेके जाना है कुछ ग्रीन डे के बारे में। तो अभी तक सोचे नहीं ना कुछ, आज काम भी बहुत सारा है तो पहले काम हो जाएगा। और देख जैसे दिखाएगा, मैंने बहुत सारा दाल भिगो के रखी हूँ वो सब भी साफ करना है, तो बहुत सारा काम है। रात को जाऊंगी मार्केट लेके आऊंगी, होएगा तो रात को प्रोजेक्ट बनाऊँ, नहीं तो सुबह में बनाऊंगी। और मैं और मेरी फ्रेंड तो मिलकर ही बनाने वाले हैं, क्योंकि दोनों बच्चों का ही है। तो किधर भी बनाएंगे, एक ही जगह पे बनाएंगे, चाहे मेरे घर पे चाहे उसके घर पे। तो देखते कब बनाती हूँ प्रोजेक्ट, रात को या सुबह, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे दिन ही बनाए, उस दिन सामान लाके रात को रखे और 10:30 हो रहा था और पेशेंस एकदम खत्म, क्योंकि बहुत थक गए थे। तो दूसरे दिन ही बना रहे, बहुत सोचने के बाद हमने सोचे ट्री बना के देते, तो ट्री दोनों को सेम ही बना के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में तो ऐसा होएगा ना, झगड़ा होएगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो इस वजह से हम सेम ही बना रहे दोनों का। तो यहाँ पे देखिए बहुत मगजमारी के बाद अभी ये बन रही थी, कहाँ पत्तियाँ लेके आए, लेके आए वो लेके आए, और फाइनली अभी बने। और ये रही प्रियांशी, रियांशी प्रियांशी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पूरा जब इनका प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद आप लोग को सब दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये देखिए हमारा घर का हाल बेहाल हो रखा है। 2 घंटे का मेहनत के बाद फाइनली ये बन के रेडी हो गया। और सेव ट्री सेव लाइफ, यही मैसेज था कि हम मतलब ये तो करना जरूरी है। और कोई हमने बहुत लेट हो गया था तो कोई पिक्चर वगैरह नहीं लिए थे, तो ये स्कूल वाला जो भेजे थे व्हाट्सअप में वही पिक्चर था। तो देखिए ये लोग बन के गए थे ट्री, तो कोई लेडीज फिंगर कोई मैंगो ये सब बन के आए थे। और यहाँ पे मैंने जैसे बताई थी कि हमारा आरओ का प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोटर ही चला गया था तो नया ही लेना पड़ा। अभी वो भैया अभी आए फिटिंग करने के लिए, तो फिटिंग करके चले जाएंगे, उसके बाद में मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे और नई वीडियो पे, बाय बाय।